are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. शुरुआत करेंगे आसिया बीबी केस से। पाकिस्तान की आसिया बीबी जो ब्लास्फेमी केस में पहले डेथ सेंटेंस फेस कर रही थी, 2010 में सजा का ऐलान हो गया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया था उन्हें, ये कहते हुए कि प्रॉपर एविडेंस नहीं पाए गए हैं। वो अब सुरक्षित कनाडा आ गई हैं एंड शी हैज बीन रीयूनाइटेड विद हर फैमिली। लेकिन क्या वजह है कि आसिया बीबी, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से आने वाली ये महिला जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, पूरी दुनिया में इस महिला का नाम जाना जाता है, क्या वजह है? दरअसल ये केस 2009 का है, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का है जहां पर आसिया बीबी अपने परिवार के साथ रहती थी और को वर्कर के साथ एक फार्म पर इनकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उस को वर्कर ने एलिगेशन इन पर यह लगाए कि इन्होंने इस्लाम और प्रॉफिट के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद 2010 में एक पाकिस्तान की कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत का ऐलान दे दिया था, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। 8 साल इन्होंने कोर्ट में काटे और इस केस ने इंटरनेशनल क्यूरियोसिटी जनरेट की है, इंटरनेशनल अटेंशन, वर्ल्ड वाइड अटेंशन इस एक केस को मिला है। यहां तक कि पोप बेनेडिक्ट 16 ने अपील किया था कि आसिया बीबी को रिलीज कर देना चाहिए, उन्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। जिस वक्त आसिया बीबी जेल में थी, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, एक ऐसे छोटे से कमरे में जहां खिड़की ना किसी से कोई बातचीत, और इल्ज़ाम क्या था कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि आसिया बीबी का यह कहना है कि जिस शख्स ने मेरे खिलाफ सजा की है, ही वॉज ट्राइंग टू सेटल एन ओल्ड स्कोर। हालांकि 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ पाकिस्तान यह कह दिया था कि कोई एविडेंस नहीं पाए गए हैं कि आसिया बीबी ने जिस तरह के एलिगेशंस उन पर लगे हैं, ऐसा कुछ किया हो या करा हो, जिसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था 7 नवंबर 2018 को। लेकिन वो देश नहीं छोड़ सकती थी। आसिया बीबी को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी पूरे देश में खड़ी हो गई थी, क्योंकि एक छोटा सा सेक्ट ऐसा भी था जो उनके हक में खड़ा था, वहीं मेजर इस्लामिस्ट पार्टीज ऐसी थी जो उनके खिलाफ बोल रही थी, चाहती थी कि आसिया बीबी को डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। मेजर रकस हुआ था, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया था, प्रोटेस्ट हुआ था कि इन्हें डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। यहां तक कि दो बड़े नाम पाकिस्तान पॉलिटिक्स के जिन्हें असैसिनेट भी कर दिया गया था, पहला नाम जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तासीर का, जिन्हें उनके वन ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आसिया बीबी के साथ इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, आसिया बीबी के साथ उनके हक में इन्होंने खुलकर आवाज उठाई थी और कहा था कि ब्लास्फेमी लॉ हट जाना चाहिए और इसी की सजा इन्हें भुगतनी पड़ी, अगर कहना गलत नहीं होगा, इनको मार दिया गया था। इनफैक्ट 28 साल के इनके बेटे शहबाज को भी किडनैप कर लिया गया था उसके बाद, जिसे 5 साल तक कन्फाइन करके रखा गया था, ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 5 ईयर्स। एक और नाम जो यहाँ लेना बेहद अहम है, वो है शहबाज भट्टी का। वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे शहबाज भट्टी, और बहुत वोकल थे वो भी अपने सपोर्ट को लेकर आसिया बीबी के लिए। इनफैक्ट अपने टाइम के ही वाज द ओनली क्रिश्चियन मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड ही वाज आल्सो शॉट डेड। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी, आसिया बीबी के परिवार के साथ। ये दो नाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो खुलकर सपोर्ट कर रहे थे आसिया बीबी को, जिन्हें मार दिया गया। तो ये एक ऐसा केस जिसमें एक महिला इन्वॉल्व है, लेकिन पूरा देश कंट्रोवर्सी में घिर जाता है, दुनिया भर में आवाज उठती है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यहां तक कि पोप बेनेडिक्ट 16 ने अपील की थी, पोप फ्रांसिस ने कहा था कि आसिया बीबी को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर आसिया बीबी के पारिवारिक बैकग्राउंड पर जाएं, तो आसिया बीबी एक छोटे से गाँव की रहने वाली है, इस पूरे डिफिकल्ट टाइम में उनके हस्बैंड आशिक मासी उनके साथ खड़े रहे। आसिया बीबी ने शादी की थी आशिक मासी से, पहली शादी से आशिक मासी के 3 बच्चे हैं, आसिया बीबी के साथ 2 बेटियां हैं। आसिया बीबी का असली नाम है आसिया नूरीन, एक क्रिश्चियन है, और अपने गांव में आसिया बीबी का परिवार एक लौता क्रिश्चियन परिवार था।
इनके पति जैसा कि मैंने बताया आशिक मासी लगातार आवाज उठा रहे थे कि प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी मिलनी चाहिए, इन्हें रिहा कर देना चाहिए। और अब ये गुड न्यूज सामने आ रही है कि आसिया बीबी सुरक्षित कनाडा पहुंच गई हैं, अपने परिवार के साथ उन्हें रीयूनाइट कर दिया गया है। उनकी बेटियां पहले ही यहां पर कनाडा में उन्हें असाइलम मिल गया था। इनके जो लॉयर हैं सैफुल मुलक, उनकी तरफ से ये कॉन्फर्मेशन भी आया। हालांकि सैफुल का यह कहना है कि जब से आसिया बीबी केस से वो जुड़े हैं उनकी खुद की जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बहुत बदल गया है, क्योंकि वो हमेशा डर के माहौल में रहते थे, सचेत रहते थे। और इसके साथ ही 3 नवंबर 2018 को सैफुल मलिक ने भी देश छोड़ दिया था। अब आसिया बीबी सुरक्षित हैं, कनाडा में हैं। इनफैक्ट इन्हें लेकर एक गाना भी बना है। यूके का बैंड है उबर फ्यूज, अपील ये की जा रही थी फ्री आसिया बेबी एंड आसिया बीबी इज फ्री, और अब एक फ्री जीवन भी जी सकती हैं, वो कनाडा आ चुकी हैं। इसके अलावा और इंटरनेशनल जो अटेंशन जनरेट हुआ था इस एक केस को लेकर, उसके बाद एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने आसिया बीबी के हस्बैंड की हेल्प की से एक मेमोर भी लिखा है जिसका नाम है Blasphemy, अ मेमोर सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर अ कप ऑफ वाटर। क्योंकि किस्सा यही हुआ था कि आसिया बीबी ने एक गिलास से पानी पी लिया था, जिस पर फिर एक शख्स ने आवाज़ उठाई थी कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम उस जगह से उस प्याले से पानी नहीं पी सकती जिससे मुस्लिम्स पीते हैं। और उसके बाद ये पूरा बवाल, ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई थी और इनके खिलाफ ये Blasphemy का केस डाला गया था। एक इन पर मूवी भी बनी है, साल 2015 में एक पोलिश डायरेक्टर ने मूवी बनाई थी। पोलिश फिल्म है लेकिन इसका इंग्लिश टाइटल है फ्रीडम फॉर आसिया बीबी। तो तमाम जो इंटरनेशनल अटेंशन इस केस को मिल रहा था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दुनिया भर से उनके हक में खड़े हो रहे थे, आज सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी क्योंकि आसिया बीबी अब अपने परिवार के साथ हैं, कनाडा में हैं। यू आर वॉचिंग चैनल Y, चैनल Y, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।